नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों। हरिद्वार की जनता को स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन की ओर से एक और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिल गया है, जिसका मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और आरएसएस के सहकार्यवाहक कृष्ण गोपाल जी ने पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया है, जिसमें निःशुल्क तमाम चिकित्सायी सेवा प्रदान की जाएंगी। हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में ये हॉस्पिटल बनाया गया है। स्वामी राम प्रकाश धर्मार्थ चिकित्सालय के नाम से बने इस हॉस्पिटल को स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन द्वारा संचालित किया जाएगा। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा के अगले साल होने वाले चुनाव में चेहरे को लेकर कांग्रेस में मचे घमासान पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि कांग्रेस चुनाव को लेकर चेहरा घोषित करे या ना करे, चुनाव में जीत तो भाजपा की ही होनी है, कांग्रेस को तो नेता केवल प्रतिपक्ष ही तय करना होगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पवित्र सैन्य धाम को लेकर कुछ अच्छी बातें कहते कहते मुख्यमंत्री गैरसैंण को लेकर भटक गए। देर शाम अपनी पोस्ट में हरीश रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें और उनकी पार्टी को गैरसैंण को राज्य की राजधानी के रूप में रूल्ड आउट करने का कोई हक नहीं है, उनकी पार्टी भी गैरसैंण पर भटक गई है तो सुधारिए। उत्तराखंड के चंपावत में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उत्तम दयाऊ की देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके निधन की खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं कांग्रेस की होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। 55 वर्षीय उत्तम मूल रूप से पार्टी ब्लॉक के रहने वाले थे। रात उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी तो परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जसपुर से किसान दिल्ली रवाना हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं रुद्रपुर में सामाजिक कार्यकर्ता ओकार सिंह ढिल्लो साइकिल से ही दिल्ली रवाना हो गए। ढिल्लो लगभग 225 किलोमीटर यात्रा करके दिल्ली पहुंचेंगे और किसान आंदोलन में अपना समर्थन देंगे। पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर सका। मौसम विभाग ने अब एक दिन की देरी से इसके पहुंचने की संभावना जता दी है। इसके आने से पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और कोहरा रहने के आसार हैं। हालांकि राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में हल्की धूप निकली है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में हल्के बादल छाए हुए हैं। देहरादून में एसटीएफ ने 6 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ अंकुश मिश्रा ने बताया कि बरामद गांजे की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह मुनाफे के लिए गांजे का काम करता है, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।